नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। एमसीडी चुनाव से पहले आपको तगड़ा झटका। बवाना से आप विधायक वेद प्रकाश ने थामा बीजेपी का दामन। केजरीवाल पर लगाया पीएम और एलजी को बदनाम करने का आरोप। लोकसभा में गूंजा बूचड़खानों पर बैन का मुद्दा। एमआईएम सांसद ओवैसी ने कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा सरकार बूचड़खानों पर साफ करे अपनी मंशा। अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट लखनऊ रिवर फ्रंट का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। गंदगी के लिए अधिकारियों को लगाई लताड़, गोमती योजना के लिए नया बजट पेश करने को कहा। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया जीएसटी बिल। जीएसटी से जुड़े जरूरी विधेयकों पर लोकसभा में 29 मार्च को होगी चर्चा। बिल को पास करने के लिए 7 घंटे का दिया गया समय। केंद्र ने किया जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल का समर्थन। कहा दांव पर देश की संप्रभुता और अखंडता। सुप्रीम कोर्ट ने दिया अन्य विकल्प पर विचार का आदेश। चौतरफा घिरे चप्पल मार सांसद रविंद्र गायकवाड़ के समर्थन में उतरी शिवसेना। लोकसभा में की बैन को हटाने की मांग। कहा कपिल ने भी प्लेन में किया दुर्व्यवहार, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। निर्भया गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने 4 दोषियों की फांसी की सजा पर फैसला रखा सुरक्षित। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुआ था निर्भया कांड। गिरावट के साथ बंद हुआ निफ्टी और सेंसेक्स। एशिया के अन्य बाजारों में कमजोर रुख से बाजार पड़ा नरम। सेंसेक्स 184 अंक और निफ्टी 62.80 अंक गिरकर हुआ बंद। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज शॉन टेट ने क्रिकेट को कहा अलविदा। टेट ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से लिया संन्यास। 15 साल में खेले महज 3 टेस्ट मैच। और धर्मशाला टेस्ट में अश्विन जडेजा उमेश की तिगड़ी के आगे बिखरे कंगारू। 137 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियाई टीम ऑल आउट। सीरीज जीतने के लिए भारत को चाहिए 87 रन। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।